कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा खास देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर निधि ने किया है हॉस्पिटल में आकर जहर का इंजेक्शन, वो भी प्रीता की बॉडी में लगाने की कोशिश। आप लोग जानते हैं कि हालांकि सृष्टि भी इस समय मौजूद हैं और सृष्टि एक बार फिर से देखते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार ये कौन कर रहा है और सब कुछ कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे करने वाला भी शख्स बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ प्रीता को जान से मारने की साजिश इसलिए कर रही है आखिरकार कि प्रीता किसी भी तरीका से शादी में शरीक ही ना हो पाए, यानी शामिल ही नहीं हो पाए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि इस समय एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीका से एक से बढ़कर एक एक नई नई चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि बात की जाए इस समय प्रीता की, तो प्रीता के ऊपर इंजेक्शन लगा कर और जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करती है निधि को सृष्टि देख लेती हैं। हालांकि सृष्टि पूछती हुई नज़र आती है कि निधि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसके बाद में निधि बोलती हुई नज़र आने वाली है कि यहाँ तो मैं किसी और काम से आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरीका से ये चीज़ हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इस समय सृष्टि छोड़ने वाली नहीं है निधि को, क्योंकि निधि का आखिरकार सब लोगों के बीच में पलड़ा दबाती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि कहानी में फिर से एक नई उम्मीद जागी है, नई कहानी जागी है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा गाइस। लव यू ऑल।